जैसा कि आप सब जानते हैं कि माय फर्स्ट ब्लॉग किस तरह से वायरल होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि माय फर्स्ट ब्लॉग सब खेला है इसका थंबनेल का। जो थंबनेल आप जिस तरह क्रिएट कीजिएगा थंबनेल, तभी आपका वीडियो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। जैसे कि मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से थंबनेल आप बनाएंगे माय फर्स्ट ब्लॉग के लिए, कि जो कि आपका वीडियो भी वायरल भी होगा, आपका वीडियो का CTR भी बढ़ेगा और दोस्तों आपका जो भी वीडियो का CTR क्लिक थ्रू रेटिंग है वो अच्छी तरह से जो चलने वाला है वो आपको मिल जाएगा। किस तरह से थंबनेल आपको क्रिएट करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है, आप देख क्रिएटर पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलो मैं वीडियो को चालू करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले अपना मोबाइल लूंगा, मोबाइल लेने के बाद आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको थंबनेल क्रिएट करना है। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब तक आपको समझ में आएगा कि किस तरह से थंबनेल बनाना है, क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको चाहिए जो भी चीज़ का जरूरत पड़ेगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं वीडियो देखकर। सबसे पहले अपना मोबाइल लूंगा दोस्तों, मोबाइल लेने के बाद आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मोबाइल लेने का आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक पिक्सल लैब एप्लीकेशन आता है, पिक्सल लैब उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगा आपको, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं कीजिएगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते, डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले पिक्सल लैब में आने के बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पिक्सल लैब चालू कर लेंगे। चालू करने के बाद जो मटेरियल लगेगा थंबनेल बनाने के लिए, उस मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों वो ड्राइव में डाउनलोड होगा, वहाँ से जाके आप कन्वर्ट करके आप अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जब आप पिक्सल लैब चालू कर लेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा, आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद आपको यहाँ पे देख लिख रहा है न्यू टेस्ट को डिलीट कर देना है दोस्तों। न्यू टेस्ट को डिलीट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे ऊपर कोने में देखिएगा 4 डॉट लाइन का एक चिन्ह बना होगा, वहाँ पर चले जाएंगे। जो आप YouTube के लिए आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, YouTube के थंबनेल के लिए 16:9 का स्कोर होता है, जो कि आपको साइज यहाँ पे इमेज साइज का ऑप्शन दिखेगा, इमेज साइज पर चले जाएंगे। इमेज साइज पर जाने के बाद यहाँ पे एक और कस्टम जो कि एक है कस्टम, वहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कस्टम है, क्यूरी है, प्रोफाइल पिक्चर है, थंबनेल चैनल बैनर भी बना सकते हैं पिक्सल लैब से। यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल है, फेसबुक कवर आर्ट है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते गूगल प्लस कवर फोटो है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, जो माय फर्स्ट ब्लॉग के लिए थंबनेल क्रिएट करना है जो अच्छा और बढ़िया सा। तो इस वीडियो का लास्ट तक देखते हैं तो आप पूरी समझ जाएंगे किस तरह से बनाना है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल के लिए 16:9 का ले लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, जो कि ये छोटा आपको वीडियो के लिए अवेलेबल है और बराबर हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे कोने में अगर आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कोने पर देखिएगा तो प्लस का एक आइकन आपको दिखेगा, यहाँ पर प्लस का आइकन दिखेगा, उस प्लस के आइकन पर आपको टच करना है। टच करने के बाद आपको चले जाना है फ्रॉम गैलरी में, जो कि यहाँ पर लिखा होगा फ्रॉम गैलरी, जो कि आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल के गैलरी सेक्शन में लेकर जाएगा। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी मटेरियल होगा जो डाउनलोड अभी किया था, जो लिंक में दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जो डाउनलोड किया था उस मटेरियल को ले लेना है। सबसे पहले अदरवाइज आप कहीं से ब्लॉग बनाते हैं तो आपके कहीं पे जाकर आप पिक्चर भी ले सकते हैं या गूगल से भी डाउनलोड करते हैं, कॉपीराइट फ्री मिल जाएगा। अगर कॉपीराइट फ्री नहीं मिलता तो मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से जाकर आप वीडियो देखकर आप कॉपीराइट फ्री इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरह से होगा दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ओके पर टच कर देना। ओके पर टच करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ओके पर टच करने के बाद आपको इसको थंबनेल के लेवल में कर देना है, ये इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से थंबनेल के लेवल में कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको लॉक कर देना है।
दोस्तों इसको लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक ताले का आइकन दिखेगा, लॉक करने के बाद इसको इधर उधर कीजिएगा तो ये नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आइएगा तो तीन नंबर जो सेक्शन दिखा गया है यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एक दिखेगा जो कि यहाँ को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कलर आपको दिख जाएगा जो कि आपको साइज में ये मदद करता है। यहाँ पर देखिएगा कलर फिल्टर एक मिलेगा आपको जो कि कलर इसको फिल्टर अच्छी तरह से आप लगा सकते हैं। किस तरह से यहाँ से कलर पर चले जाएंगे, थोड़ा सा इसको मैं लाइट में रखूंगा कि देखने में ऑडियंस को अच्छा लगे। जबकि लाइट में आप रखिएगा आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। जिस तरह से यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको ब्रिक स्टोन्स को बढ़ा लेना है दोस्तों। ब्रिक स्टोन्स को बढ़ाने के बाद आपको देख सकते हैं किस तरह से ब्रिक स्टोन्स जब बढ़ाते हैं तो किस तरह से लाइट इस पे आ जाता है। उस तरह से बढ़ाने के बाद उसको ओके कर दें। ओके करने में एक एक आपको सूर्य के प्रकाश चाहिए जो कि जो मटेरियल आप डाउनलोड किए थे उसी में मैं दिया था, वहां से एक सूर्य के प्रकाश आपको डाउनलोड किए होंगे उसको ले लेंगे। सबसे पहले लेने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ओके कर देना है, जो सूर्य के प्रकाश है उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको जूम करके अच्छी तरह से अच्छी जगह पे इसको फिट करना है। फिट करने के बाद आपको अच्छा सा दिखेगा जो कि आपको यहाँ पे इस तरह से आपको फिट कर देना है। आपको देख रहे हैं कि किस तरह से फिट किया हूं, इसी तरह से आपको फिट कर देना है। फिट करने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे फिर से प्लस वाला आइकन पर चले जाना है। सबसे पहले इसको फिर से लॉक कर देंगे, उसके बाद प्लस वाला आइकन पर चल जाएंगे। प्लस वाला आइकन पर जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो सेक्शन में चले जाएंगे। फोटो सेक्शन में जाने के बाद एक आपको चिड़िए का, जैसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते पक्षी, पक्षी का फोटो चाहिए जो कि अच्छा सा और दिखने में बढ़िया लगे। तो हम लोग यहाँ पर पक्षी का फोटो लेंगे, कोई भी आप पक्षी का फोटो ले सकते हैं, गूगल पर अवेलेबल है, जाकर गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उस तरह से मैं यहाँ पर पक्षी का एक फोटो ले लूंगा, आप देख सकते हैं किस तरह से पक्षी का फोटो है जो कि यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने में इसको भी थोड़ा सा छोटा करके जूम कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना कोई फोटो ले लेना है, कोई भी फोटो अपना ले सकते हैं, जिसका भी वो थंबनेल बना तो उसका भी आप फोटो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ फिर से प्लस के आइकन पर चले जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद मैं अपने लिए कोई भी फोटो ले लेता हूँ। जब आप क्रिएट कीजिएगा तो अच्छा सा फोटो डालिएगा। अगर आपको फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहता था, मैं इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो कि मैं पहले से वीडियो एक बना कर रखा हूँ जो कि आप फोटो को बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी एक फोटो ले लेता हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि मेरा यही मेरा फोटो है जो कि मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ इस तरह से। इस तरह से सेट करने के बाद इस तरह से कर देंगे। करने के बाद आपको दोस्तों आपको जो फोटो भी लेना है उसको कन्वर्ट पीएनजी में करना है। पीएनजी का मतलब है फुल एचडी हाई क्वालिटी का फोटो होता है। पीएनजी में आप कन्वर्ट करना, देखने में भी हमें अच्छा लगेगा। उस तरह से आपको क्या करना होगा, उसके बाद इसको फिर से थ्री डॉट पे जाने के बाद इसको भी लॉक कर देना है कि इधर उधर हिलेगा नहीं। इस तरह से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपको क्या करना होगा, इतना हो गया होने के बाद चले जाएंगे फिर से प्लस वाला आइकन पे। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा टेस्ट, जो कि आपको टेस्ट पे टच करना है। टेस्ट पर टच करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है जिसके लिए आप ब्लॉग बनाते हैं, जो भी आप ब्लॉग वीडियो में आप बताए हैं वो भी लिख सकते हैं, या माय फर्स्ट ब्लॉग भी लिख सकते हैं, माय थर्ड भी ब्लॉग लिख सकते हैं, माय सेकंड भी ब्लॉग लिख सकते हैं आप अपने थंबनेल में। उस तरह से करने के बाद यहाँ पे टेस्ट पर चले जाएंगे। टेस्ट पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग, जो कि आप जानते हैं कि YouTube बहुत ज़्यादा अवेलेबल और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में चल रहा है। माय फर्स्ट ब्लॉग जब भी सर्च करो तो माय फर्स्ट ब्लॉग बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस तरह से जब आप माय फर्स्ट ब्लॉग बनाते, अगर कहीं से जाकर फर्स्ट ब्लॉग बनाते हैं तो इस तरह से आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे माई, या आपको लिखना क्या है कैपिटल लेटर में, जो 12 लेटर में लिखना है, जो भी लिखना है बड़े लेटर में, जो कि कैपिटल लेटर और 12 लेटर हो। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है माई, इस तरह से लिखना है माई, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर लिखना है दोस्तों
इतना हो गया माई लिख दिया। फिर से प्लस वाला आइकन पे चले जाना है। प्लस वाला आइकन पे आने के बाद यहाँ पर टच करना है। टच करने का अगर मैं न्यू टेस्ट पर डबल बार टच करते हैं तो ये चालू हो जाएगा। इस तरह से डबल बार आपको टच करना है। टच करने का यहाँ पे लिखना है माई लिख दिए थे, माई फर्स्ट लिखना है जो कि कैपिटल लेटर में लिखिएगा माई फर्स्ट, उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इसको भी अच्छी तरह से एक जगह पर सेट कर देना है। सेट करना फिर से प्लस वाला आइकन पर चले जाना है। यहाँ पे लिखना है जो कि यहाँ पे लिखना है ब्लॉग। यहाँ पर दोस्तों लिखना है ब्लॉग, माई फर्स्ट ब्लॉग। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ VLOG ब्लॉग। इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, माई फर्स्ट ब्लॉग जो लिखे थे सबसे पहले इसको छोटा कर लेंगे। कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा कलर भी दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको कलर अच्छा लगे यहाँ से कलर ले सकते हैं। मैं ये कलर कोई भी ले, दिखाने के लिए मैं कलर कोई भी ले लेता हूँ। जब आप क्रिएट कीजिएगा तो अच्छी तरह से कलर ले लीजिएगा, जो भी आपका अच्छा कलर लगे, जो थंबनेल में दिखने में बहुत बढ़िया लगे उसी तरह से कर लेना है। यहाँ पे मैं कोई भी एक कलर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पीला कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ पीला कलर जो कि माई फर्स्ट ब्लॉग के लिए बहुत बेहतर है पीला कलर। उसके बाद तीनों में इसी तरह से आप कलर ले लीजिएगा। यहाँ पे इसको भी ब्लॉग में भी पीला कलर ले लीजिएगा। इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको आपको इसको बोल्ड करना है। बोल्ड का मतलब होता है दोस्तों कि थोड़ा जूम या बड़ा करना है। बोल्ट जो करना था बोल्ट करना के आपको क्या करना होगा, यहाँ पर चले जाएंगे सेक्शन में। यहाँ पर देखेंगे स्टाइल लिखा होगा, स्टाइल पे जाकर टच कर लेंगे। स्टाइल पर टच कर यहाँ पर बी लिखा होगा तो बोल्ट हो जाएगा। इसको बस इसको बोल्ट कर लेंगे, जो भी आपका लिखे है उसको बोल्ट करने के लिए। फिर से स्टाइल पर चले जाएंगे, इसको भी बोल्ट कर लेंगे, इसको भी बोल्ट कर लेंगे माई फर्स्ट ब्लॉग। ये तीनों बोल्ट हो गया। इसमें अब हम लोग शौक डालेंगे। शौक डालने का शौक जब आप डालिएगा तो बहुत अच्छा दिखने में भी अच्छा लगेगा। जो भी आपको कलर का शौक लीजिएगा आपको दिखने में अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर पीला कलर लिया हूँ तो इसे शौक डालने के लिए मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर उजला कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर या ब्लैक भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी आप कलर ले सकते हैं। ब्लैक ले लीजिए, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको क्या माई फर्स्ट भी उसी तरह से शौक दे देंगे जो कि आपको दिखने में अच्छा लगे। इस तरह से इसको भी ब्लैक कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसको। अब हम लोग थोड़ा सा जूमिंग करेंगे जो कि दिखने में अभी अच्छा नहीं लगे, इसको जूम कर देंगे तो अच्छा दिखेगा। इस तरह से चले जाएंगे फिर से साइज पे। साइज पे आने के बाद थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। इस तरह से छोटा कर देंगे, माइक भी छोटा कर देंगे थोड़ा सा, तो ब्लॉक का भी छोटा कर देंगे। इस तरह से छोटा कर देंगे तो ये हो गया माई फर्स्ट ब्लॉग जो कि आपको बहुत अच्छा दिखने। आप यहाँ पर थंबनेल देख रहे हैं बहुत अच्छा दिखने में। यहाँ पर और भी कुछ डाल सकते हैं। इसको हम लोग लॉक कर देंगे कि इधर उधर हिलेगा नहीं। यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पे आप डाल सकते हैं प्लीज कोई तो सपोर्ट करो। यहाँ पे डाल देते हैं प्लीज कोई तो सपोर्ट करो। यहाँ पे डाल देते हैं कोई तो सपोर्ट करो। आप हिंदी में लिख सकते हैं या अंग्रेजी में लिख सकते, ऐसा कोई नहीं है। आप हिंदी में भी डाल सकते हैं, अंग्रेजी में डाल सकते। मैं अंग्रेजी में डाल दिया हूँ। उसके बाद इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे, पूरा छोटी कर लेंगे इसको कि फिट हो जाए थंबनेल में। इस तरह से उसके बाद साइज पे चले जाएंगे। साइज पे जाने के बाद इसको पूरा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद कोने में डाल देंगे इसको। उसके बाद इसको बोल्ट करना है दोस्तों। सबसे पहले इसको बोल्ट करेंगे जो बड़ा दिखने में और अच्छा लगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर शौक डाल देंगे। इसमें कोई भी शौक आप डाल सकते हैं, तो मैं ब्लैक शौक डाल देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद एक और चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों 50K व्यूज। आप ऐसे कोई भी चीज लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ 50K व्यूज। यहाँ पे 50K व्यूज, इस तरह से 50K व्यूज लिख कर यहाँ पे पूरा छोटा कर देंगे इसको भी।
अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से कोई तो सपोर्ट करो में हम लोग कलर चेंज किए थे, उसी तरह से आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर पे चलेंगे, कलर पे आने के बाद यहाँ पे कोई भी कलर ले, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ब्लैक लेने इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे दिखने में अच्छा लगेगा, इस तरह से बोल्ड कर देंगे। अगर आप शॉक डालना चाहते हैं शॉक भी डाल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे शॉक दिया है, इंट्रो आइटम दिया है, इम्पोर्ट्स दिया है, यहाँ पे बहुत सारा 3D दिया है, 3D टेस्ट भी दिया हुआ है। यहाँ से आप डालकर आप अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए काफ़ी है, और आपको अगर नए नए वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।